देश में सोमवार से तीन नए कानून लागू किए जाने को लेकर सोमवार को रामनगर कोतवाली में आयोजित बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मौजूद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को नए कानून की जानकारी देते हुए पुलिस को सहयोग करने की अपील की। इस दौरान मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 1 जुलाई से लागू नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि नए कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधान की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि आज से लागू नए कानून के तहत पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस कानून का पालन करेगी। उन्होंने सभी लोगों से कानून का पालन करने के साथ ही पुलिस को सहयोग करने की अपील की है। देश में नया कानून लागू हो गया है, कोतवाली में गोष्ठी भी की गई, ऑनलाइन वर्चुअल अधिकारी भी जुड़े, तो किस प्रकार का कानून है और किस प्रकार के इसका पालन कराया जाएगा? देखिए, आज से पूरे देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीनों को आज हमारे द्वारा थाने में पूरी तैयारी से आज लागू किया जाएगा और जो भी इसमें प्रावधान है उन्हीं के तहत हमारे द्वारा अभियोग को पंजीकृत कर विवेचना की जाएगी और केसों का अनावरण किया जाएगा, वह प्रिवेंशन भी इसी के तहत किया जाएगा। सोमवार को देश में लागू नए कानून को लेकर रामनगर कोतवाली परिसर में भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दलों के लोग मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को नए कानून की जानकारी दी और किस प्रकार कानून का पालन किया जाए इसको लेकर भी लोगों से सहयोग की अपील की। तो वहीं वर्चुअल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के अलावा पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार भी जुड़े और इसके अलावा प्रदेश भर के विभिन्न थानों के थाना प्रभारी और एसएसपी लोग आदि अधिकारी भी वर्चुअल के माध्यम से जुड़े और उन्होंने कानूनों के संबंध में लोगों को जानकारी दी। नए कानून में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है, सजा बढ़ाई गई है और जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, इसको लेकर तमाम जानकारियाँ आज रामनगर कोतवाली में अधिकारियों द्वारा मौजूद लोगों को दी गई है और लोगों से अपील भी की गई कि जो नया कानून 1 जुलाई 2024 से अब देश में लागू किया गया है इसको लेकर अब पुलिस पूरी तरह जहाँ एक और कानून के पालन कराने को लेकर पूरी मुस्तैदी दिखाएगी, तो वहीं पुलिस ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जय जय।